एक्चुअली बहुत ही इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जो मतलब जिस वजह से मैंने स्टडी करना शुरू किया था वो यही बात थी, डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि मैं तो हूँ ही दलित फैमिली से, और मतलब दलित दलित में भी जो सबसे नीचे का जो जो कास्ट थे, आप थे सही भाई थे, अब नहीं है आप अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वही बता रहा हूँ, तो उसमें सबसे जो नीचे वाला जो लेयर है ना, उसमें से मैं हूँ। मतलब दलित भी मुझे किस कैटेगरी में समझते होंगे पता नहीं। तो आज मैं देख रहा हूँ, हाँ बहुत कुछ झेला मैंने इसके चक्कर में, बहुत एक लव स्टोरी भी है उसमें, बहुत कुछ झेला। मुझे समझ में आ गया कि भाई मेरा तो या तो मेरा वजूद ही नहीं दुनिया में, या मैं कूड़े का कोई कचरा हूँ, क्या हूँ मैं, मुझे समझना है ये बात। और आज देखो मेरे सारे भाई मेरे साथ, कोई ब्राह्मण फैमिली से है, कोई किसी फैमिली से है, मैं किसी फैमिली से हूँ, लेकिन अल्लाह की बारगाह में हम सब एक है, एक भाई, एक सितारे, सितारे का एक छोटा सा एक ग्रुप है हम आज। तो कितनी बड़ी बात है ये, इस्लाम की, ये इस्लाम की जो है तो गिफ्ट है मुझे। बिल्कुल हजरत बिलाल हबशी का वाक्य, यू कैन कॉल मी एक्स भाई ने कहा, फिर हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया, हजरत उमर फारूक जो कुरैश की शाख से थे, कुरैशी, वो आगे से पता है कहते हैं हजरत बिलाल को सैयदुना बिलाल कहा करते थे। सैयदुना अरबी जुबान में सैयद का मतलब है सर, मिस्टर, रिस्पेक्ट की हाईएस्ट जो टर्म है जो अरब में इस्तेमाल होती है वो सैयद होता है, कि हमारे सैयद है बिलाल। हजरत सुलेमान फारसी जो बाहर से आए थे, फारस से, पर्शिया थे, नॉन अरब थे, जब इस्लाम कबूल किया तो अल्लाह के रसूल ने कहा सुलेमान मिन्नी वाना मिन सुलेमान, सुलेमान मुझसे है और मैं सुलेमान से हूं, अपने अहले बैत में से करार दिया सुलेमान फारसी। अल्लाहु अकबर। ये थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार। जब और फिर देखें बिलाले हबशी को, आप ये कहते हैं ना, आप देखें लोअर कास्ट की बात, बिलाले हबशी जो गुलाम थे, स्लेव थे, जब मक्का फतह हुआ लोगों ने कहा कि अजान देनी है यहां पर, अल्लाह के घर को तौहीद के साथ आबाद करना है, यहां पर बुत परस्ती हो रही थी, मूर्ति पूजा हो रही थी, इसको पाक करना है, इस चीज से इंसानों की अकल मार दी हुई थी इन्होंने, तो कहा अजान कौन देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे नबी ने कहा बिलाल को कहो काबे के ऊपर चढ़ जाए, खाना काबा के ऊपर। और बिलाल मुशरिकी ने मक्का के बड़े बड़े लीडर, उस वक्त अबू सुफियान भी थे, बड़े बड़े लीडर खड़े, और जब बिलाल हबशी ने उसी धरती के ऊपर जहां गुलामों को रेत का जर्रा समझा जाता था, जानवरों की अहमियत गुलामों से ज्यादा थी, ऊंट की कीमत गुलाम से ज्यादा थी, एक बकरी की कीमत गुलाम से ज्यादा थी, जब मक्का फतह हुआ बिलाल हबशी काबा के ऊपर खड़ा होकर अजान दे रहे, मुशरिकी ने मक्का कहते हैं ओए लोगो, मोहम्मद ने हमें वो दिन दिखाया कि इससे पहले हमारे अबाओ अजदाद अच्छा है कि मर गए, अगर वो अपनी आंखों से देखते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत और मसावात का और अदल और इंसाफ का, जस्टिस का और इक्वालिटी का वो दर्स दिया है कि बिलाल हबशी जिसको यहां पर कोड़े मारते थे, हम पैर के नीचे मसलते थे, वो हमारे उस घर के ऊपर खड़ा हुआ है जिसकी कसमें खाकर हम जान दे दिया करते थे, आज उसको उसी पर खड़ा करके कहते हैं अजान दो, जिसको पत्थर के नीचे लटाकर हम उसकी जुबान खींचते थे कि आहद उन आहद क्यों कहता है, आज वो काबे के ऊपर चढ़कर कह रहा है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तुम्हारी तमाम मूर्तियों से अकबर है अल्लाह और एक वहदहू ला शरीक है। क्या जमाने ने ये वक्त भी देखना था, क्या चश्मे फलक ने ये सीन भी, इस कायनात, इस धरती ने ये सीन भी देखने थे। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। मुझे भी बात याद आ गई कि मतलब खैर आप तो समझिए मेरा बैकग्राउंड क्या है, लेकिन एक वो दिन भी दिखाया मुझे अल्लाह ने कि मैंने जहाँ मैं रहता हूँ ना उसके पास ही एक एक यूनिवर्सिटी है एक्चुअली, और वो यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहाँ पढ़े लिखे मुस्लिम है सब, और सभी मकामी फिर से सब लोग आते हैं साथ में, तो मगरिब की अजान मैं दिया करता था वहाँ, मैंने स्टार्टिंग में हाँ जब इस्लाम कबूल किया और जब मैं तिलावत करने लगा, जब कुरान पढ़ना लगा, तो फिर मैंने नमाज भी पढ़ाई उस मस्जिद। आप देखो माशा, मतलब, माशा, अल्लाह हु अकबर, क्या बात, क्या बात। मैं रोया करता था, मतलब खड़े होकर जब मैं कुरान पढ़ता पढ़ा करता था, कि मैं मतलब
कहां था मैं और मुझे कहां पर इन लोगों ने बिठाया, ये इस्लाम है, ये क्या कहूं मैं इसके बारे में। आमिर भाई अल्हम्दुलिल्लाह الذي هدانا وما كنا لنهتدي ولولا هدانا الله हजरत उमर फारूक का मुझे वो वाकया याद आया। आप हज से लौट रहे थे, आखिरी उम्र का हज था, और आप एक जगह पर रुके जहां इस्लाम लाने से पहले अपने जवानी के दिनों में आप अपने तंदूर जलाने के लिए, जिसको बालन कहते हैं पुराने जमाने में, लकड़ियां इकट्ठी करते थे। आप वहां रुके और उस एरिया को देखकर आप रोने लगे, और आपका जो कंपनी थी, आपके दूसरे साहबा थे साथ साथी, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों रोते हैं। उन्होंने कहा मैं पलट कर देखता हूं कि उमर तू क्या था, तेरी औकात क्या थी, तू ऊंटों का चारा इकट्ठा करता था, तू बालन की लकड़ियां इकट्ठी करता था, और आज इस्लाम ने तुझे वो शख्सियत बना दिया है। ये वही उम्र थी है जब बैतुल मक़द्दस फतह हुई तो आपको कहा खलीफा की वहां पर जरूरत है कि खलीफा वहां चक्कर लगाए स्टेबिलिटी के लिए, पॉलिटिकली जैसे पता है आपको वो लीडर ओहदा संभालता है तो उसको रियासतों के अंदर स्टेबिलिटी के लिए चक्कर लगाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा उमर आपकी जरूरत है, वहां पर मुआहदा करना है यहूदियों और ईसाइयों के साथ बैतुल मक़द्दस में, तो आपकी जरूरत है। उमर फारूक जब बैतुल मक़द्दस के करीब पहुंचे, खलीफा जो है, फतेह जो है, लीडर जो है, वो ऊंट की लगाम थाम के बैतुल मक़द्दस के शहर में एंटर हो रहा है, और गुलाम ऊंट पर बैठा हुआ है, गुलाम ऊंट पर बैठा हुआ है, उसकी बारी थी। लोगों ने कहा ये तुम्हारा खलीफा जो ऊंट पर बैठा है इसके कपड़े कितने खराब। उन्होंने कहा तुम्हें क्या पता है, खलीफा तो आगे चल रहा है। आमिर भाई अगर कुरान इस्लाम ना होता ना तो मैं तो सच में डिप्रेशन में मर जाता। सच में मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया था मुझे एक टाइम पर, कि मैं मेरा मतलब कोई वजूद ही नहीं है ऐसा लगने लगा था मुझे। फिर नबी इस्लाम की बातें पढ़ी और फतेह मक्का पे जो उन्होंने कहा वो पढ़ा, लगा कि ये यही तो वो चीज़ है जो मैं ढूंढ रहा था, इक्वालिटी जस्टिस। यहीं हम थम जाएंगे और यहीं इसी इन सुनहरे पलों के अंदर रुक जाएंगे। मैं चाहता हूँ एस कन्फ्यूज भाई को बात करना चाहते थे, उनके बाद कुछ और भाई भी हैं उनकी बात भी मैं सुनना चाहूंगा। भाई एक मिनट बस, सही मुस्लिम सर ने जो कहा ना कि अगर इस्लाम नहीं होता, अल्लाह ताला ने इस्लाम नहीं दिया होता तो सही बात है, हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं अब तक तो। जबकि इस्लाम लाइफ में अगर नहीं आता, मैं तो पक्का चला जाता डिप्रेशन में, जिस हिसाब से मैं जा रहा था, और हो सकता था कि वो सोसाइटल स्टेट में चली जाती है, आज नहीं किसी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में आ जाता। ये वो ट्रेजर है ना जो अल्लाह ताला ने हम लोग को दे दिया है, हम लोग को इस चीज़ की अहमियत नहीं पता है, ये वो खजाना है जो हम लोग के लिए आया है, हम लोग को इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा है। लोग दौलत पैसा इसके पीछे भाग रहे हैं, सुकून नहीं है इसमें, सुकून सिर्फ दीन में है, इस्लाम में। बहुत शुक्रिया दित्या भाई।